हेलो एवरीवन, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। वहाँ हमने पढ़ा था कि अगर एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन है तो उसको स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, और अगर एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस है तो उसको हम स्ट्रेस एनर्जी बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी बोलते हैं। तो अब वहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि फॉर नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन एनर्जी एंड स्ट्रेस एनर्जी, या इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी भी बोलते हैं, आर डिफरेंट। मतलब नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा स्ट्रेन एनर्जी का या स्ट्रेस एनर्जी कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल, स्ट्रेन एनर्जी एंड कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी एनर्जी आर सेम। तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए जो स्ट्रेन एनर्जी है और कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, कि अगर हम जो एनर्जी स्टोर्ड है मटेरियल की उसको इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन लिखते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन लिखते हैं, तो वो हमारी स्ट्रेन एनर्जी होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन, तो वो हमारी स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे चलते हैं कैस्टिग्लियानो थ्योरम की तरफ। सो स्ट्रेस एनर्जी होता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। अब हम आते हैं कैस्टिग्लियानो थ्योरम की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैस्टिग्लियानो थ्योरम वन। इट स्टेट्स दैट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू displacement at any point gives load at that point in the direction of displacement. सो हम बोल सकते हैं कि दैट इज P इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी डेल्टा। तो ये हमारा क्या है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम वन है।
अब इसमें एक चीज हमने ये देखनी है कि ये जो हम यू पुट करेंगे, ये यू पुट करेंगे दैट इज स्ट्रेन एनर्जी, ये इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखते हैं कि द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल, ये याद रखना कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट गिव्स गिव्स लोड एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब हम फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे टोटल स्ट्रेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट, वो हमें लोड देगा उस पॉइंट पर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये जो यू है इसको हम पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट की टर्म में। मतलब कि हमने पहले इससे पिछली वीडियो में काफ़ी सारे फॉर्मूले देखे हैं, जहाँ पर एक फॉर्मूला था हमारा ये कि हमारा हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा, और जब हम डेल्टा को यहाँ पुट करते थे डब्ल्यू की टर्म्स में दैट इज डब्ल्यू एल बाय ए, तो ये बन जाता था डब्ल्यू स्क्वेयर एल बाय 2ae। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हम स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट की टर्म नहीं है। और यहीं पर अगर हम दूसरी कंडीशन देख रहे थे तो वो कंडीशन थी कि हाफ इंटू डब्ल्यू आर दैट इज़ द रेजिस्टेंस इंटू डिफ्लेक्शन। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था डेल्टा इंटू ए बाई एल एंड इंटू डेल्टा, तो ये बन जाता था डेल्टा स्केयर ए बाय 2L। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट की टर्म में है, ये किसकी टर्म में है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इसकी पार्शियल डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, यानी कि अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ये आया कि ये जो यू है हमारा ये क्या है, डेल्टा स्केयर ए बाई 2L। तो इसको अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इस यू को जो कि इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इसकी जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा डेल्टा के साथ, तो वो मुझे लोड दे देगा पी। ये इस कैस्टिग्लियानो थ्योरम का मतलब है। एक बार और समझते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी है जो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा होनी चाहिए, जिसका हमने फॉर्मूला इससे पिछली वीडियो में डिराइव किया है, वो है हमारा डेल्टा स्केयर ए बाई 2L। उसका जब हम फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट तो वो मुझे क्या दे देगा, लोड दे देगा एट दैट पॉइंट एंड इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये है हमारा कैस्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम। अब हम आते हैं हमारे कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम में, फिर हम इनकी डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन पार्ट को। अब हम आते हैं हमारे कैस्टिग्लियानो थ्योरम टू पर। सो इट स्टेट्स दैट The first partial derivative of total strain energy in the structure, stored in the structure विद रिस्पेक्ट टू लोड एट एनी पॉइंट गिव्स डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ओनली। सो ये है हमारा कैस्टिग्लियानो थ्योरम टू।
अब यहां पर यह चीज देखनी है कि यह किसके लिए वैलिड है, जब हमारी स्ट्रेन एनर्जी, ये जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी है, ये एक्सप्रेस्ड हो इन टर्म्स ऑफ लोड। तो यहां हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला है हमारा कुछ, यहां हम डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं एंड डी यू बाय डी पी, और जो ये यू है, यू किसकी टर्म्स में होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पी, दैट इज लोड ओनली। तो अभी हमने पहले भी लिखा था फॉर्मूला, यू का फॉर्मूला था डब्ल्यू, बेसिकली यहां पर पी आएगा, सो यू इज इक्वल टू पी स्केयर एल बाय टू ए ई। तो ये हमारा यू है इन टर्म्स ऑफ पी, इसकी हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, क्योंकि ये पी की टर्म्स में है तो पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी डिफ्लेक्शन मिलेगी, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी कि डेल यू बाय डेल पी कर देंगे, तो वो मुझे क्या दे देगा, डिफ्लेक्शन दे देगा, ये एट एनी पॉइंट है, तो जो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगी वो एट दैट पॉइंट मिलेगी, उसी पॉइंट पर मिलेगी और एंड इन द सेम डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ओनली। तो ये हमारा कैस्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम है। अब यहां पर मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखा था लीनियर इलास्टिक एंड नॉन लीनियर इलास्टिक के लिए, तो अब वो देखते हैं उसका क्या वैलिडिटी है हमारे कैस्टिग्लियानो थ्योरम में। सो अब देखते हैं हम, तो जो कैस्टिग्लियानो थ्योरम वन है वो बोलता है कि हम क्या करेंगे, यू, यहां पर यू क्या है हमारा, यू है टोटल स्ट्रेन एनर्जी, तो जब हम टोटल स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, और जो ये यू होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए, तभी तो उसका डेरिवेटिव होगा, तो यू का जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद डिस्प्लेसमेंट तो वो हमें पी दे देगा, यानी कि लोड की वैल्यू दे देगा उस पॉइंट पर। लेकिन ये जो वैलिड है ये लीनियर और नॉन लीनियर इलास्टिक मटीरियल के लिए है। वहीं पर अगर हम कैस्टिग्लियानो थ्योरम टू की बात करें, जो ये बोलता है कि जो हमारी टोटल यू, टोटल स्ट्रेन एनर्जी है, उसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल विद पी, तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा उसी पॉइंट पर जिस पर पी है लगा हुआ है, और इसकी वैलिडिटी सिर्फ किसके लिए है, लीनियर इलास्टिक मटीरियल के लिए है। और यहाँ पर हमारा जो यू है वो इन टर्म्स ऑफ पी होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम उसकी पार्शियल डेरिवेटिव कर पाएंगे बाकी चीज़ों को कॉन्स्टेंट लेकर। तो ये था हमारे कास्टिग्लियानो थ्योरम वन एंड कास्टिग्लियानो थ्योरम टू। अब हम इनकी एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं। सो अब हम एक और थ्योरम करते हैं जिसका नाम है क्रोटी एनगेसर थ्योरम। सो थ्योरम का नाम है क्रोटी एनगेसर थ्योरम, इसको देखते हैं। तो ये काफी सिमिलर है हमारा कैस्टिग्लियानो थ्योरम टू से। इसमें क्या है कि इट स्टेट्स दैट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, वहां कैस्टिग्लियानो थ्योरम में यहां पर टोटल स्ट्रेन एनर्जी था, बट इसमें ये बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट्री, टोटल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस का अब डेरिवेटिव लो। सो टोटल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस एनर्जी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इन दी स्ट्रक्चर, जो कि स्टोर्ड है इन दी स्ट्रक्चर, विद रिस्पेक्ट टू लोड, लोड एक्टिंग एट एनी पॉइंट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट
एट दैट पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ओनली। तो ये काफी सिमिलर है हमारा कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2 से। डिफरेंस यहां पर आता है कि यहां पर हम टोटल कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी ले रहे हैं। अब ये टोटल कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी क्या है? सो ये बेसिकली होती है स्ट्रेस एनर्जी, स्ट्रेस एनर्जी। और स्ट्रेस एनर्जी होता है एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ लोड और स्ट्रेस। अब लेकिन ये जो स्क्रोटी एंगेसर थ्योरम है, ये इसमें डिफरेंस क्या है कैस्टिग्लियानो थ्योरम से, कि ये वैलिड है, वैलिड फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक स्ट्रक्चर। तो जब ये लीनियर के लिए वैलिड होगा तो उस केस में तो ये बिल्कुल ही हमारा वो बन जाएगा, कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2 बन जाएगा। बट बस ये इतना ही बोलता है कि ये नॉन लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए भी वैलिड है, और जब ये लीनियर के लिए हो जाएगा तो ये बिल्कुल ही इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2 से। सो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा पी। तो बेसिकली यहां पर ये यू टोटल स्ट्रेन नहीं है, यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर कैस्टिग्लियानो थ्योरम बनाना है तो फॉर लीनियर इलास्टिक मटेरियल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस एक तरह से हमारा इक्वल होता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी के, तो उस वजह से कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी इक्वल होती है एनर्जी इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। तो उस वजह से ये कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2 कैटेगरी में आ जाएगा, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा बी, बिकॉज यू स्टार इज इक्वल टू यू इन दिस केस। और ये क्या है हमारा कैस्टिग्लियानो थ्योरम 2 बन जाएगा। तो ये था हमारा क्रोटी एंगेसर थ्योरम।